नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बढ़िया सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही चटपटी सी और हमने पौष्टिक भी बनाई है, जो सबके लिए अच्छी है। बच्चे भी इसे पसंद करेंगे, बड़े लोग बुजुर्गों लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि ये बहुत एक ख़ास चीज़ से बनी हुई है, इसका उपयोग हर कोई करना चाहता है। आइए बनाना। आज हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक पौष्टिक सा नाश्ता बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था 5-6 घंटे के लिए। ये आधी कटोरी मूंग की दाल है और 2 चम्मच चावल है, इसे भी हमने 5-6 घंटे भिगो लिया है। ये देखिए, इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे, चावल भी मूंग की दाल भी। ये देखिए, हमने इसमें चावल और मूंग की दाल डाल दी है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चा डालेंगे और 1/2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे 2-3 चम्मच के बराबर, और इसे अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मूंग की दाल को निकाल के या चावल को निकाल के बाउल में रख लिया। अब हम इसमें 1/2 से थोड़ा कम नींबू निचोड़ लेंगे, इस तरह से नींबू निचोड़ा, और हरा धनिया हमने काट के रखा हुआ है उसको हम इसमें मिला लेंगे। अब इसको बढ़िया हम चम्मच की सहायता से फेंट लेते हैं, इस तरह से हम 1-2 मिनट इसको फेंट लेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में राइस ब्राइन ऑयल रखा था, ये गर्म हो चुका है और हमारा जो पेस्ट तैयार है उसको अब हम इसमें डाल के बढ़िया से इसके पकौड़े बनाएंगे। आप इसको इसी तरह से बना के अप्पे भी बना सकते हैं अप्पे स्टैंड में, उसमें तेल की मात्रा बहुत कम लगती है। लेकिन आज हमारा कुछ चटपटा सा खाने का मन था और हमने कहा कभी कभी तो ऑयल चलता है, इसलिए आज हम ये पकौड़े बना रहे हैं। चाय के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इस तरह से देखिए, हमने सब डाल दिए हैं और आँच को हमने मीडियम रखा है। ये देखिए, अब हम इनको पलट देंगे, क्या बढ़िया इनका कलर लग रहा है और काफ़ी ये फूले हैं। मिक्सी में हमने इनको थोड़ा ज़्यादा देर तक पीसना है, जिससे अच्छे से फिट जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनते हैं। देखिए कितने बढ़िया है, देखने में लग रहे हैं वैसे ही खाने में भी लगेंगे।